मूवी की शुरुआत में हमें कपल ल्यूक और ट्रेसी को देखते हैं जो अपनी बोट पर एक जगह वेकेशन पर आए होते हैं। वो वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं तभी ट्रेसी को वहाँ पानी में कोई चीज फील होती है और वो ल्यूक से यहाँ से चलने को कहती है। ल्यूक उसको डरा हुआ देखकर मान जाता है और दोनों अपनी बोट की तरफ स्विम करके जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक शार्क उनकी तरफ बढ़ रही है। इसी बोट पर चढ़ के पीछे देखती है तो ल्यूक को शार्क ने पकड़ लिया होता है और वो उसे पानी में ले जाती है। इसी रोते हुए बोट पर चढ़ने लगती है लेकिन तभी शार्क बोट को टक्कर मारती है जिससे वो स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक और कपल चार्ली और कैज को देखते हैं जो टूरिस्ट को अपने प्लेन से टूर कराते हैं। अगले दिन उनकी बुकिंग थी और हम देखते हैं मिशेल और उसके हस्बैंड जो को जिन्होंने हेल्स रीफ जाने के लिए बुकिंग कराई होती है। चार्ली के साथ उसका कुक बेनी भी था। अब ये सब लोग प्लेन में निकल जाते हैं हेल्स रीफ के लिए। प्लेन में चार्ली सबको बताता है कि वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है और एक दिन वो शार्क पर रिसर्च करने अकेले ही चला गया और उसकी गलती की वजह से शार्क ने उसको बाइट कर लिया लेकिन लकीली वो उससे बच निकला। ये लोग हेल्स रीफ पहुंच जाते हैं जहां कैस सबको बताती है कि इसे हेल्स रीफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार यहां एक शिप फंस गया था। इसमें 8 लोग थे और उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा। शैल बताती है कि वो मेरे दादाजी थे और उनकी लास्ट विश थी कि वो यही दफन हो, इसीलिए हम उनकी लास्ट विश को पूरा करने यहां आए हैं। चार्ली और कैस बीच पर वॉक कर रहे होते हैं जहां कैस चार्ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से चार्ली बहुत खुश था। इस समय बेनी उनके पास भागता हुआ आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। ये मिशेल और जो के पास आते हैं तो मिशेल काफी डरी हुई थी। चार्ली के पूछने पर जो एक जगह इशारा करता है। जब ये दोनों चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि वहां ल्यूक की डेड बॉडी थी। उसकी बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसके पैर भी नहीं थे। देखकर चार्ली समझ जाता है कि ये किसी शार्क ने किया है। बॉडी के पास कैस को ल्यूक का मोबाइल मिलता है और वो उसमें देखती है कि उसके साथ एक लड़की भी थी। यानी कहता है कि हमें इस लड़की को ढूंढना चाहिए मगर जो इस बात से मना करता है और कहता है कि लोकल अथॉरिटी ये सब देख लेंगी, तुम हमें यहाँ से वापस ले चलो। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आसपास बोट को ढूंढते हुए जाते हैं। मिशेल को वो बोट दिख जाती है। चार्ली प्लेन को पानी में लैंड कराता है और बेनी स्विम करके बोट में जाकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। बोट में उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो वहाँ से भागने लगता है। वापस जाकर बताता है कि उसे भी शार्क ने मार दिया है। ये लोग प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं लेकिन उसी समय एक शार्क उनके प्लेन पर अटैक कर देती है। इससे वो प्लेन डूबने लगता है। बेनी राफ्ट ओपन करता है और ये लोग प्लेन से कुछ जरूरत का सामान लेकर राफ्ट में बैठ जाते हैं और वो प्लेन डूब जाता है। तो चार्ली पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने ऐसा करने से मना किया था। अब मिशेल पूछती है कि रेस्क्यू टीम आने वाले होंगे तो वो हमें ढूंढ लेंगे। चार्ली बताता है कि हम हेल्स रीफ से काफी दूर हैं और लहरें भी अपोजिट डायरेक्शन में हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, रात भी होने वाली है तो कोई भी हमें ढूंढने कल सुबह से पहले नहीं आने वाला। लोग सी कोस्ट से करीब 150 किलोमीटर अंदर आ गए थे इसलिए इन्हें कोस्ट तक पहुंचने में बहुत समय लगने वाला था। देखते ही देखते रात हो जाती है। मिशेल पैडल करते करते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। मिशेल के हाथ से पैडल छूट जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबको बताती है कि पैडल पानी में गिर गया है। एज पैडल लाने पानी में कूद जाती है और उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है। वो सही में रहते पैडल लेकर जल्दी से स्विम करते हुए राफ्ट पर चढ़ जाती है। राफ्ट पर आने के बाद बेनी और जो के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और जो बेनी को पानी में धक्का दे देता है। वो शार्क उस पर अटैक करके उसे मार देती है। इस बात से कैज और चार्ली को जो पर बहुत गुस्सा आता है। बेनी की मौत से कैज और चार्ली को बहुत दुख होता है क्योंकि ये लोग काफी समय से साथ थे। ये लोग सब कुछ छोड़कर फिर से किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं मगर तभी वो शार्क आकर इनकी राफ्ट को पलट देती है। कैज, मिशेल और चार्ली राफ्ट पर आने में कामयाब हो जाते हैं मगर इससे पहले जो राफ्ट पर आ पाता वो शार्क उस पर अटैक करके उसे मार देती है। कुछ ही देर में सुबह भी हो जाती है और मिशेल काफी दुखी थी। रात में राफ्ट के पलटने के कारण ये लोग एक पैडल खो देते हैं। तभी राफ्ट भी शार्क से टकराने की वजह से पंचर हो गई थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैस और मिशेल हाथों से राफ्ट को आगे बढ़ा रही है। चार्ली की नजर शार्क पर पड़ती है पर इस बार वो एक नहीं बल्कि दो शार्क है।
जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। एक शार्क राफ्ट पर टक्कर मारती है जिससे कैस पानी में गिर जाती है, लेकिन वो फौरन ही स्विम करके राफ्ट पर वापस भी आ जाती है। वो तीनों राफ्ट के बीच में बैठ जाते हैं। देर बाद वो थक के सो जाते हैं और अब राफ्ट की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। मिशेल की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो लोग कोस्ट के पास पहुँच चुके हैं। वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं और राफ्ट को कोस्ट की ओर बढ़ाने लगते हैं। इतने में वहाँ दोनों शार्क भी आ जाती है। राफ्ट की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो किनारे तक पहुँच सके। भी चार्ली बैग से फ्लेयर गन निकालता है ताकि शार्क का ध्यान अपनी ओर कर सके और वो दोनों स्विम करके कोस्ट पर पहुँच जाए। लेकिन कैज उससे कहती है कि हम दोनों ये मिलकर करेंगे। चार्ली कहता है कि हमें फ्लेयर को उसके मुंह के अंदर शूट करना होगा और मिशेल को कोस्ट की ओर जाने को बोलता है। फिर कैज और चार्ली पानी में उतरते हैं। मिशेल स्विम करके कोस्ट की ओर जाने लगती है। उसे पानी में एक शार्क मिल जाती है। शार्क जैसे ही कैज की तरफ बढ़ती है वो उसके मुंह के अंदर शूट करती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। चार्ली चाकू से उसके सर पर वार करके उसे मार डालता है। दूसरी शार्क मिशेल के पीछे जा रही थी तो मिशेल उससे बचने के लिए एक टूटे हुए शिप पर चढ़ जाती है और फिर शार्क वहाँ से चली जाती है। कैज और चार्ली के पास वो दूसरी शार्क आती है। चार्ली उस पर शूट तो करता है लेकिन वो फ्लेयर उसके सर के ऊपर से निकल जाता है और शार्क उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब वो भी मारा जा चुका था। कैज स्विम करके मिशेल के पास चली जाती है। मिशेल चार्ली के बारे में पूछती है जिस पर कैज रोने लगती है तो मिशेल समझ जाती है कि वो नहीं बच पाया। अभी वहाँ शार्क आकर उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है और वो दोनों डर कर पानी में गिर जाती है। कैज मिशेल से कोस्ट पर जाने को बोलती है और शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कैज उसी शिप के मलबे में छिप जाती है लेकिन शार्क उसे ढूंढ लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। शार्क उस पर हमला करती इससे पहले ही एक एंकर में फंस जाती है और मिशेल भी कैज की मदद करने आ जाती है। कैज देखती है कि शार्क के ऊपर एक नुकीला टुकड़ा है तो वो उसे तोड़ देती है। वो लोहे का टुकड़ा शार्क के सर में घुस जाता है और वो शार्क भी मारी जाती है। मिशेल और कैज वहाँ से स्विम करके कोस्ट पर पहुँच जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।